हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एनिमेशन ट्रेल। मैं हूं एनिमेश। अभी मैं हूं देहरादून में, और देहरादून के वन ऑफ द मोस्ट फेमस इंस्टीट्यूट्स, फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट FRI के नाम से जो फेमस है, वहां पर मैं हूं। ये एंट्री गेट, ये यहां पे टिकट काउंटर। 55 रुपये का दो जन का टिकट मिला, मैंने कटवा लिया है। और यहाँ से कम 2 किलोमीटर अंदर ड्राइव करके जाना पड़ेगा। मैंने सुना है कि म्यूजियम भी है इंस्टीट्यूट के अंदर, सब कुछ देखता हूँ, मुझे कुछ पता नहीं है। सो विदाउट एनी डिले लेट्स गो। 2 किलोमीटर अंदर का रास्ता है, जो रास्ते से हम जा रहे हैं बीच में से बहुत सारे हैं, छोटे छोटे गवर्नमेंट के गेस्ट हाउसेस बने हुए हैं, सारे एकदम अंग्रेज़ों के ज़माने के स्टाइल के गेस्ट हाउसेस यहाँ पे बने हुए हैं। ये इंस्टीट्यूट के ही अलग अलग शायद डिपार्टमेंट्स हैं, बहुत ही देखने में सुंदर लग रहा है। नेशनल फॉरेस्ट लाइब्रेरी, ये पूरा इंस्टीट्यूट के ही सारे अलग अलग छोटी छोटी शाखाएं हैं। और ये है इंस्टीट्यूट, यहाँ से स्टार्ट होता है ग्रीनरी और ज़मीन। अब और ये कहते हैं कि बिल्डिंग इतनी सुंदर है, इतनी सुंदर, यहाँ पे कई सारी फिल्मों की शूटिंग भी हुई है इस बिल्डिंग के अंदर। ऐसा लग रहा है जैसे किसी फॉरेन के किसी कॉलेज में हम लोग घुसे हैं। और ये है भी इसीलिए फेमस है, सबसे ज़्यादा पिक्चरस्क बिल्डिंग ऑफ उत्तराखंड, यहाँ तक कि इंडिया के भी वन ऑफ द मोस्ट फेमस और सबसे ब्यूटीफुल इंस्टीट्यूट्स में आता है। नो डाउट मूवी लोकेशन में बहुत ज़्यादा इसको चुना जाता है, इस इंस्टीट्यूट को। पूरा इंस्टीट्यूट इतना साफ सुथरा, जंगलों के बीच में पेड़ पौधों से घिरा हुआ, और बिल्डिंग बस देखते जाओ। ऐसा लग रहा है जैसे दिल्ली का राष्ट्रपति भवन है, सेम उसी तरह का डिजाइन ये पूरा इंस्टीट्यूट है। और ग्रीनरी को सब देखते जाओ, और बहुत बड़ा इंस्टीट्यूट है। यहाँ पे हम पार्किंग में घुसते हैं, यहाँ से अंदर जाके फिर मैं दिखाता हूँ आगे क्या क्या मिलेगा। मेरे पीछे ये FRI इंस्टीट्यूट यहाँ से स्टार्ट होता है, बहुत ही सुंदर लाल पत्थर का बना हुआ बिल्डिंग। यहाँ से मैं अंदर चल रहा हूँ, अगर मैं यहाँ पे एंट्रेंस गेट ही दिखाऊँ, बहुत ही सुंदर है। लेट्स गो इनसाइड। बिल्कुल अंग्रेज़ों के ज़माने का बिल्डिंग बना हुआ है। बिल्डिंग के पत्थरों को देखो कितना सुंदर से, ऐसा लगता है मैं कुतुब मीनार या लाल किला जैसे किसी जगह में घूम रहा हूँ। और ये इंस्टीट्यूट, ये लगता ही नहीं है कि इंडिया का कोई कॉलेज है, इतना सुंदर। मैंने तो 55 रुपये का टिकट खरीदा था, और 55 रुपये के टिकट में ही ये पूरी बिल्डिंग आप घूम सकते हो। दो जन के लिए 55 रुपये का टिकट। अगर आपको म्यूज़ियम जाना है तो उसका अलग टिकट है। अगर आप इस तरफ देखो, इस तरफ पूरा सेक्शन है बिल्डिंग का, पूरे कॉलेज का, और यहाँ पे पढ़ाई भी होती है, स्टूडेंट्स भी आते हैं। और ये सेक्शन अभी भी, शायद गर्मी की छुट्टियाँ चल रही है इसलिए ये सेक्शन अभी भी खाली है। चलते हैं दूसरे सेक्शन में, लेट्स गो। और ये टर्निंग पॉइंट आ गया, इस तरफ एक गैलरी, इस तरफ एक गैलरी। और सबसे ज़्यादा मज़ेदार चीज़ मैं दिखाऊं, आप दंग रह जाओगे, इस तरफ पूरा गार्डन। ये देखो कौन कहेगा ये कोई कॉलेज है, ये कोई राजसी महल से कम नहीं है। इतना सुंदर बिल्डिंग, ये देखो, ऐसा लगता बड़ा सा कोई, मतलब कोई पता ही नहीं, कोई फार्म हाउस, या फार्म हाउस भी शायद इससे छोटा होता हो। इतना बड़ा पैसा, फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट। एक दूसरे कोने में हम आ गए, ऐसा लगता है किसी
अंग्रेज के बना हुए, वैसे अंग्रेज का ही बना हुआ है ये, पूरा डिजाइन देख के लग रहा है इसे अंग्रेज का ही बना हुआ है। और ये देखो बिल्डिंग, पूरा इतना बड़ा गार्डन है। म्यूजियम घूमने का भी क्या पता टाइम मिलेगा या नहीं। अभी वो सेक्शन भी है जहाँ पे बहुत सारे लोग जा रहे हैं, वहाँ पर भी आप जाके आराम से यहाँ पे इंस्टाग्राम के इतने सारे फोटोज खींच सकते हैं। ये देखो बहुत सारे स्पॉट्स हैं और इतना सुंदर लाल पत्थर का, और बीच में ये पिलर्स हैं, ये तो सबसे सुंदर लग रहे हैं। यहाँ पे गार्डन में एंट्री मना है, नहीं तो यहाँ पे सबसे बढ़िया सेल्फी पॉइंट तो यही बनता है। सबसे मज़ेदार ये पूरा गार्डन, अमेजिंग व्यू। ये मैं एक और विंग में आ चुका हूँ, यहाँ पे बहुत सारे विंग हैं। और ये है कॉन्वोकेशन हॉल, ये पूरा हॉल अभी तो बंद है, दीक्षांत गृह। और इस तरफ मुझे विक्टोरिया, कोलकाता का जो विक्टोरिया मेमोरियल है उसकी भी फीलिंग आ रही है लगभग लगभग, सेम उसी डिज़ाइन में, ब्रिटिश स्टाइल पूरा आर्किटेक्चर। कम से कम 1 घंटा लग जाएगा, मैं तो बहुत देर से घूम रहा हूँ, वीडियोस कम कम बना रहा हूँ, बट घूम ही जा रहा हूँ तब से। मैक्सिमम जो लोग हैं यहाँ पे अभी स्टूडेंट एक भी नहीं है क्योंकि शायद बंद है, बट मैक्सिमम यहाँ पर जो है अभी टूरिस्ट ही है। हर जगह एक छोटा सा गली है और यहाँ पे पूरा इंस्टीट्यूट सेम डिज़ाइन, इस तरफ भी एक गली सेम स्ट्रक्चर, इस तरफ भी सेम। और जहाँ भी जाओ यहाँ पर ऑफिस स्टाफ कृपया शांत रहें, यहाँ पर शायद ऑफिस बिल्डिंग है। दिस इज अगेन अनदर ब्यूटीफुल स्ट्रक्चर। कहीं ना कहीं अगर मैं बताऊँ, मैं जेवियर्स में पढ़ा हुआ हूँ, जेवियर्स की बिल्डिंग ऐसी होती है मतलब मैं अपने कॉलेज, लेकिन मैं जेवियर्स से पढ़ा हुआ हूँ और जेवियर्स की बिल्डिंग भी ऐसी ही होती है, लाल ईंट का बना हुआ रहता है। हाँ वैसे बड़े बड़े पिलर्स मैंने नहीं देखे अपने कॉलेज में, लेकिन हाँ जेवियर्स की बिल्डिंग भी ऐसी ही होती है। तो काइंड ऑफ उस ज़माने के जितने भी ब्रिटिश लोग जो कॉलेज बनाते थे और इंस्टीट्यूट्स बनाते थे, वो सेम डिज़ाइन कर रखते थे। विक्टोरिया मेमोरियल भी अगर देखो ब्रिटिश का बनाया हुआ, वो भी वैसा ही है। ये भी अगर मैं देखूं लगभग लगभग सेम दिखता है, लेकिन हाँ इसका स्ट्रक्चर इतना बड़ा है और इतने दूर तक फैला हुआ है, विल डेफिनेटली बी मेस्मराइज्ड। म्यूजियम के बगल में एक छोटा सा शॉप भी है यहाँ पर, जहाँ पर बहुत सारे लोकल आर्टिफैक्ट्स भी आप खरीद सकते हैं। यहाँ पर बहुत सारे हैंडीक्राफ्ट्स, कपड़े, स्टैचूज, बहुत सुंदर सुंदर आर्टिफैक्ट्स यहाँ मिल रहे हैं। इस तरफ कपड़े वगैरह भी बहुत सारे मिल रहे हैं। खैर मेरी FRI की पूरी यात्रा तो यहीं पे ख़त्म होती है। बहुत ही सुंदर इंस्टीट्यूट है, वन टाइम विजिट है, लेकिन बहुत ही सुंदर है कैंपस, वो पूरा कैंपस मेरे पीछे बहुत ही सुंदर लगता है। हाँ रिसर्च इंस्टीट्यूट का म्यूज़ियम भी एक है, मैंने पूछा, लेकिन काफ़ी देर बाद खुलेगा, उसका पर्टिकुलर टाइमिंग है, उसी 1 घंटे या 1.5 घंटे की ड्यूरेशन तक ही खुलता है। मेरे पीछे जो मैंने दिखाया है, यहाँ पर एक छोटा सा कैफ़े टाइप का या लोकल आर्टिक्राफ्ट्स वगैरह मिलता है, वो भी अगर आप ख़रीद सकते हो यहाँ पे, यादें अगर ले जा सकते हो तो ख़रीद के आप ले जा सकते हो अपने घर में सजावट की चीज़ें। खैर वन टाइम विज़िट बहुत ही सुंदर। मेन है यहाँ का अट्रैक्शन, ये एक मूवी डेस्टिनेशन है या फिर बहुत सारी फिल्मों की शूटिंग यहाँ पर हो चुकी है। ज़रूर आओ यहाँ पर, वीडियोज़ अगर पसंद आते हैं मेरे तो चैनल को भी सब्सक्राइब करो। देहरादून आओ तो FRI पक्का एक बार विज़िट बनता है। टिल नेक्स्ट वीडियो यही कहूँगा, स्टे फिट एंड कीप ट्रैवलिंग। Cheers.